कहानी भारत के पहले अखबार की, जिसने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की नींव। जाने आखिर क्यों कर दिया गया था बैन। भारत के इतिहास में अखबारों का बहुत योगदान है, चाहे आजादी के दौर की बात हो या फिर उसके बाद के दौर की। समय समय पर भारतीय अखबार और मीडिया ने सरकारों को कई बार हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि अखबार तो ऐसे हैं जिनकी लेखनी पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था। ऐसे ही अखबारों की लिस्ट में एक नाम बंगाल गजट का भी है। आपको बता दें कि बंगाल गजट भारत का सबसे पहला अखबार था, जिसे उस वक्त शुरू किया गया था जब देश ब्रिटिश हुकूमत के पैरों तले रौंदा जा रहा था। आपको बता दें कि 1780 आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टन हिक्की द बंगाल गजट अखबार की नींव डाली थी। अंग्रेजी भाषा का यह अखबार एक साप्ताहिक अखबार था। बताया जाता है कि इस अखबार ने अपनी लेखनी में ऐसी धार डाली थी कि पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिलाकर रख दी थी। इतिहास में इसे हिक्की गजट और द कलकत्ता जनरल एडवाइजर के तौर पर भी जाना जाता है। अपने प्रकाशन की शुरुआत में ही बंगाल गजट क्रांतिकारी बदलाव साबित होने लगा। इस समाचार पत्र ने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पदों पर बैठे लोगों तक को हिलाकर रख दिया था। गवर्नर हेस्टिंग्स को भी महाअभियोग झेलना पड़ा था, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने इस आवाज को दबा दिया। लेकिन कहते हैं कि लगभग 12 साल बाद ही बंगाल गजट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खबरों की माने तो बंगाल गजट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और ह्यूमन राइट्स के उल्लंघनों को उजागर किया था। ये वो दौर था जब भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेंगिस्टन थे। अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गवर्नर जनरल ने भारत के चीफ जस्टिस को रिश्वत दी थी। यही वो खबर थी जिसने बंगाल गजट कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत की आंखों की किरकिरी बनने लगा था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर को सीधे चुनौती देना कंपनी को रास नहीं आया। बंगाल गजट का प्रकाशन करने वाले हिक्की पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। उधर वॉरेन हेंगिस्टन ने भी अखबार पर मानहानि का मुकदमा किया। आखिरकार हिक्की को दोषी ठहराते हुए जेल में डाल दिया गया। हिक्की जेल में तो गए लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं। वो 9 महीने तक जेल से ही अखबार निकालते रहे। हिक्की का हौसला न टूटना भी ब्रिटिश हुकूमत को हजम नहीं हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन हिक्की की प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने का आदेश दिया और बंगाल गजट पर प्रतिबंध लगा दिया। 1782 में 30 मार्च को बंगाल गजट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद सरकार ने इसकी मशीनों को नीलाम किया, जिसे इंडियन गजट ने खरीद लिया था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर हेस्टिंग्स ने अपनी ताकत के बल पर बंगाल गजट को बंद तो कर दिया, लेकिन बंगाल गजट तब तक अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत जुटा चुका था और अखबार के माध्यम से इन्हें प्रकाशित भी किया जा चुका था। जानकारी जब ब्रिटेन तक पहुंची तो हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच की गई। आरोप सिद्ध पाए गए तो दोनों पर महाअभियोग भी चला, लेकिन तब तक बंगाल गजट इतिहास हो चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।